अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए जो अपना एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं इस फेज ऑफ द सेल साइकिल में, उसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब डीएनए से आरएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होना, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे ट्रांसक्रिप्शन को? इट इज अ प्रोसेस या इट इज फ्लो ऑफ genetic informations from one strand of DNA into RNA molecules is known as या is called transcription। जबकि डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं, यहां पे सिर्फ एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं। अब यहां पे देखो, सबसे पहला जो पॉइंट एड करेंगे, इन प्रोकैरियोटिक सेल जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कहां पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में। व्हाइल इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कहां पे होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस। ये कहां पे होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। और यहां पे इंटरेस्टिंग बात ये है, यहां पे ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट। सिर्फ एक ही डीएनए टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, एक ही डीएनए स्ट्रेंथ है, एक ही डीएनए का एक ही स्ट्रेंथ से आरएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। जबकि डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रेंथ टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से डीएनए का दो न्यू स्ट्रेंथ सिंथेसिस होते हैं। यहां पर ऐसा नहीं होते हैं, यहां पर सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ से क्या बनते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब इसमें देखो रीजंस, सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन में वाई ओनली सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम क्यों नहीं कर सकते, इसमें रीजन है। नंबर वन, सपोज ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स है, अगर ये भी टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, ये भी टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, तो हमारे पास यहां पे दो आरएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इस एमआरएनए की मदद से यहां पे सपोज इस तरह के प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन ए बनता और इस आरएनए मॉलिक्यूल की मदद से प्रोटीन बी बनता। सपोज मान लेते हैं हमारे सेल के अंदर प्रोटीन ए चाहिए था, तो ये यहां पे जिसका कोई यूज नहीं है, ये प्रोटीन्स भी सेल के अंदर बन रहा है, तो इससे बचाने के लिए पहला जो है, इफ टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट, देन देयर इज सिंथेसिस ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। एक प्रोटीन का तो सेल में यूज होगा, लेकिन दूसरा प्रोटीन सेल में यूज नहीं है। इससे बचाने के लिए दूसरा जो रीजन है, वाई ओनली सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। अगर देखो ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, तो ये दो स्ट्रैंड बनते हैं आरएनए मॉलिक्यूल्स क्या, जिनके बीच में कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की मदद से ये डबल स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि यहां पे भी नाइट्रोजन बेस है, यहां पे भी नाइट्रोजन बेस है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता, जिसकी वजह से डबल स्ट्रक्चर बनता है, डबल
स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स बनता है, और हमारे जो राइबोसोम्स है इसको रीड नहीं कर पाएगा जब ये डबल स्ट्रैंडेड बनेंगे। इफ बोथ द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट, देन क्या होगा, टू आरएनए मॉलिक्यूल्स ज्वाइन इट या फॉर्म्स कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। जब ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा तो यहां पे डबल स्ट्रैंडेड क्या बनेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, और इस डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए को हमारे राइबोसोम्स रीड नहीं कर पाएंगे तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। इन दो रीजंस के बेस पे यहां पे सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड ही क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज ए टेम्पलेट। पहला रीजन क्या है, अगर ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करता तो यहां पे दो तरह के प्रोटीन्स बनते, हमारे सेल में तो एक ही प्रोटीन्स की जरूरत था। दूसरा रीजन, अगर यहां दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करता तो यहां पे दो आरएनए मॉलिक्यूल्स बनता, आगे जाके ये दोनों आरएनए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बनाता है। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, एक दूसरे के क्या होता है, कंप्लीमेंट्री होता है, तो फिर से बॉन्ड फॉर्मेशन होता, इनके बीच में डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनता जिसको हमारे राइबोसोम्स रीड नहीं कर पाएगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। इससे बचाने के लिए सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड क्या करते हैं, एक्ट एज ए टेम्पलेट करता है। ठीक है, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो या डीएनए रेप्लिकेशन हो, दोनों कहां से होते हैं, 5' से 3' के डायरेक्शंस में होते हैं, और इसको परफॉर्म करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन को यहां पे एक एंजाइम रोल प्ले करता है अलोंग विद द सम फैक्टर, इन फैक्टर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे जो मेन एंजाइम होता है वो क्या होते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ठीक है, और ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा अपना एक्टिविटी शो करते हैं 5' से 3' की डायरेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद देखो, हम एक सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बारे में, फिर कोडिंग एंड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट अब देखो, ट्रांसक्रिप्शन में और एक इंटरेस्टिंग बात आपको याद रखना है जो डीएनए रेप्लिकेशन से डिफरेंट होता है। ट्रांसक्रिप्शन में सेगमेंट्स ऑफ डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, जबकि डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, होल डीएनए मॉलिक्यूल्स का एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बनता है। यहां पे क्या होता है, एक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, मिसाल के तौर पर यह हमारा एक डीएनए मॉलिक्यूल्स है, इसका पूरा लेंथ ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते हैं, इसका कुछ सेगमेंट्स यहां से लेकर यहां तक, और जो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, जो रीजन ट्रांसक्रिप्शन शो करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कहते हैं। इस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स या 3 मेन रीजन्स होता है। नंबर 1, यहां पे क्या होता है, प्रोमोटर होते हैं। नंबर 2, यहां पे क्या होता है, स्ट्रक्चरल जींस होते हैं, और नंबर 3, यहां पे क्या होता है, टर्मिनेटर होते हैं। अब देखो, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूं 1 by 1। प्रोमोटर हम किससे कहते हैं, प्रोमोटर हम उस रीजन को कहते हैं जहां से प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इनिशिएशन होता है, स्टार्ट होते हैं। जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोमोटर कहते हैं, और जिस प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो जींस होते हैं, जो आगे जाके प्रोटीन्स बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जींस कहते हैं। स्ट्रक्चरल जींस के पास क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है इसके पास, क्या करने का,
प्रोटीन सिंथेसिस का इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जींस कहते हैं। अब एक प्रोमोटर और एक टर्मिनेटर के बीच में एक ही जींस हो सकता है स्ट्रक्चरल या एक से ज्यादा होते हैं, मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। टर्मिनेटर वो रीजन्स होता है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन के जो प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, उस रीजन को कहते हैं टर्मिनेटर। अब देखो इसको और अच्छे से समझते हैं। एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में क्या क्या होता है, प्रोमोटर, टर्मिनेटर एंड स्ट्रक्चरल जींस। सपोज ये हमारा एक डीएनए मॉलिक्यूल्स है, यह हमारा दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होते हैं। अब मैं इस तरह से बनाता हूं इसको, ये इसका 3' है और ये इसका क्या है, 5' है, और ये इसका 5' है और ये इसका क्या है, 3' है। अब देखो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, प्रोमोटर कहते हैं, पी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और इस रीजन को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटर कहते हैं। अब देखो इसमें भी रीजंस है, मैंने आपको पहले कहा जो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो हमेशा कहां से होते हैं, 5' से 3' के डायरेक्शन में, जिस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक इसी तरह से। तो उसके हिसाब से ये जो स्ट्रैंड होता है जिसका पोलरिटी 3' से 5' के डायरेक्शन में होता है, इसको कहते हैं टेम्पलेट, इसको कहते हैं टेम्पलेट, और जिसका पोलरिटी 5' से 3' के डायरेक्शन में होता है, इसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, इसको क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अब देखो इस कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से हम प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर का नाम देते हैं। तो देखो जो प्रोमोटर होते हैं वो अपस्ट्रीम होता है, अपस्ट्रीम ऑफ द 5' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड के ये 5' एंड पे प्रेजेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोमोटर कहते हैं। जो कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पे होते हैं, डाउन स्ट्रीम जो होते हैं, इसको कहते हैं टर्मिनेटर। तो हम प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर लोकेशन या ओरिजिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, कि कोडिंग स्ट्रैंड के किस साइट पे है। अगर कोडिंग स्ट्रैंड के 5' पे है तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रोमोटर कहते हैं, अगर कोडिंग स्ट्रैंड के 3' पे है तो हम उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटर कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद सपोज इस ये हमारा टेम्पलेट है, इसको देखकर हमारे यहां पे एमआरएनए मॉलिक्यूल का क्या होगा, सिंथेसिस होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहां पे जो देखो ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए क्या करता है, एक्ट एज ए टेम्पलेट करता है, दूसरा स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे जो कोड्स होंगे उसका कंप्लीमेंट्री बनेगा। तो इस स्ट्रैंड का कंप्लीमेंट्री क्या है, ये सिर्फ यहां पे डिफरेंस होते हैं, थायमिन की जगह पे यहां पे क्या आ जाता है, यूरेसियल आता है, ये तो आप लोगों को पता होगा, थायमिन इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए व्हाइल यूरेसियल इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए मॉलिक्यूल्स। दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच।